अभी सभी को वॉइस आ रही है और स्क्रीन विजिबल है? सर। हाँ, तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को समझने के लिए हम क्या बात कर रहे थे कि हमने एक सेमीकंडक्टर लिया है, उस सेमीकंडक्टर में चेंज इन कंसंट्रेशन जो है जिस जिस टाइप से हो सकता है, हम हर उस चीज़ को देख रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग हमने एक कंसिडर किया है, यहाँ पे करंट में चेंज हो रहा है, आइस इनलेट करंट जो है, जो इनकमिंग करंट जो है तुम्हारी आई है और आउटगोइंग करंट तुम्हारी आई प्लस डी आई है, जब इस स्मॉल पार्ट की हमने बात की है, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे जनरेशन रेट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। जनरेशन रेट चेंज हो रहा है मीनिंग क्या है, ये यहाँ पे इनिशियल कुछ जी एन नॉट रहा होगा, फिर किसी एक्सटर्नल एनर्जी या किसी भी वजह से यहाँ पे जनरेशन रेट में इंक्रीमेंट हुआ होगा और उसके बाद ये जनरेशन रेट नया बन गया होगा। उसी को हमने इंटर रिलेट किया कि हाँ, अगर हमें किसी वाटर बॉडी में पानी में जो चेंजेस हो रहे हैं, वाटर में जो चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस को देखना है, तो हम एक क्या कर सकते हैं कि उसमें कितना पानी अंदर जा रहा है और कितना पानी उससे बाहर निकल रहा है, एक तो हम ये चेक कर सकते हैं, ठीक। सेकंड थिंग हम क्या चेक कर सकते हैं कि सन की वजह से कितना पानी इवेपोरेट हो रहा है, सिमिलरली क्लाउड की वजह से कितना पानी और अंदर आ रहा है। तो ये हमारा क्या शो कर रहा है, ये क्लाउड्स हमारे क्या शो कर रहे हैं, जनरेशन। अगर इसकी सेमीकंडक्टर के केस में बात करें तो क्लाउड्स हमारे क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को, वाटर को इंक्रीज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को इंक्रीज कर रहे हैं। सिमिलरली जनरेशन हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारे कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है। एट द सेम टाइम क्लाउड्स क्या कर रहे हैं, इवेपोरेट कर रहे हैं, मीनिंग क्या हो रहा है, रिकम्बिनेशन हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो चार्ज कंसंट्रेशन हो रहा होगा सेमीकंडक्टर में वो क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक। सिमिलरली अगर यहाँ पे जो वाटर है यहाँ पे इन करने वाला और यहाँ पे जो आउटलेट वाटर है वो ग्रेटर देन हो इनलेट वाटर से, दैट मींस कुछ वाटर यहाँ से बाहर निकला है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा वाटर यहाँ से बाहर निकला है। और इसी वजह से वही चीज यहाँ पे हमने दिखाई कि जो करंट आई एंटर कर रही है और यहाँ पे आई प्लस डी आई है, आई प्लस डी आई क्या शो कर रहा है कि जब इस साइड पे थे आप और उसके बाद जब यहाँ पहुंचे तो इस फेस पे आते आते आपके कुछ एक्सेस कैरियर जनरेट हुए हैं, उन एक्सेस कैरियर की वजह से ही ये डी आई मिल रही है तुम्हें, एक्स्ट्रा एक्सेस करंट, जो ग्रेटर करंट मिल रही है वो इन्हीं एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिली है। अब ये जो हमारी एक्सेस करंट आई डी आई, हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इस एक्सेस करंट की वजह से कितना चेंज इन कंसंट्रेशन आया या कितना डिक्रीज इन कंसंट्रेशन आया, क्योंकि अगर डी आई करंट बाहर निकल रही दैट मींस कुछ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ होल डिक्रीज कर रहे हैं उस एरिया से, तभी तो तभी वो वहां पे करंट जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। अच्छा, इन जनरल हमें डी आई क्या पता है, डी क्यू अपॉन डी टी, राइट। अब क्योंकि ये डिक्रीज कर रही है दैट इज वाई हम इसको क्या ले रहे हैं, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, या अभी नेगेटिव साइन को नहीं यूज करते हैं, जब चार्ज कंसंट्रेशन को यूज करेंगे तब ज्यादा सिग्निफिकेंटली समझ में आएगा, ठीक है। लेट्स से जो नंबर नंबर ऑफ होल्स जो इस डी आई करंट को जनरेट करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ होल्स का, कितने जितने नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हो रहे हैं इस डी आई करंट की वजह से, वो कितना है, कैपिटल एन, ठीक है। अगर एन इलेक्ट्रॉन एन होल्स की वजह से तुम्हारी ये डी आई करंट एक्स्ट्रा बन रही है, मतलब एक्स्ट्रा एन होल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तभी यहाँ पे ये एक्स्ट्रा डी आई करंट आपको इस साइड पे आपको दिख रही है। देन तो अगर हम इस डी क्यू को चेंज करें तो हम डी क्यू को लिख सकते हैं क्यू मल्टीप्लाई बाई एन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज का, जो चार्ज डेंसिटी में या चार्ज कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा वो एन, बेसिकली क्या देता है तुम्हारा, नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय चार्ज, तो ये क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन डी टी। अब क्योंकि ये डिक्रीज हो रहे हैं दैट इज वाई इनको हम निगेटिव साइन में लेंगे,
क्योंकि ये डिक्रीज हो रहे हैं, ये डिक्रीमेंट इन चार्ज दिखा रहे हैं, इस वजह से हमने ये नेगेटिव साइन लिया। ये नेगेटिव साइन इस चार्ज से रिलेटेड नहीं है, ये केवल ये शो कर रहा है कि जो डीआई है, इस डीआई की वजह से टोटल नंबर ऑफ होल्स, होल का जो कंसंट्रेशन है उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, उसको शो करने के लिए हमने यहाँ पे एक माइनस साइन लिया है। ठीक, अब इस इक्वेशन में बोथ साइड अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, अच्छा अब डायग्राम में देखो, वॉल्यूम इस जो हमने छोटा स्मॉल क्यूब लिया है, इस स्मॉल क्यूब का अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस ए इंटू डीएक्स। तो हमें क्या करना है, पूरी इक्वेशन को ए इंटू डीएक्स से डिवाइड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगी, डी आई अपॉन ए डी एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू एन अपॉन ए डी एक्स डी टी। सॉरी, यहां पे एक करेक्शन है, जो एन है ये आपका नेट लॉस ऑफ होल है, मीनिंग ये होल का कंसंट्रेशन नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ होल्स हैं जो डिक्रीज हो रहे हैं जब हमारी डीआई करंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, मीनिंग जब हम इस साइड जा रहे हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ होल्स इस डीआई करंट को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, ये होल का कंसंट्रेशन नहीं है, ये एन जो है ये क्या है, तुम्हारा नंबर ऑफ होल्स है, नंबर ऑफ होल्स जो इस डीआई करंट को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो Q मल्टीप्लाई बाई एन है ये क्या होगा, टोटल चार्ज जो चेंज हो रहा है इस करंट को जनरेट करने के लिए, टोटल चार्ज जो जो चेंज हो रहा है इस करंट को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक करेक्शन था, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि ये एन तुम्हारा चार्ज कंसंट्रेशन है, बट सॉरी होल कंसंट्रेशन है, बट ये होल नहीं है, होल कंसंट्रेशन नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ होल्स हैं जो लॉस हो रहे हैं जब करंट आई से आई प्लस डी आई में चेंज हो रही है, जब करंट में इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं होल में लॉसेज हो रहे होंगे, नंबर ऑफ होल्स जो हो रहे होंगे वो लॉस हो रहे होंगे। राइट, नाउ डी आई अपॉन ए डी एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन डी टी इंटू एन अपॉन ए डी एक्स। अच्छा, अब ये जो एन अपॉन ए डी एक्स है, तो एन हमने क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ होल्स जो लॉस हो रहे हैं उस डी आई करंट को जनरेट करने के लिए, ठीक। तो उन टोटल नंबर ऑफ होल्स को अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या दे देगा, वो होल कंसंट्रेशन जो लॉस, वो होल कंसंट्रेशन का चेंज जिसकी वजह से ये डीआई जनरेट हो रही है, वो होल कंसंट्रेशन या चेंज इन होल कंसंट्रेशन जो क्या, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा ये डीआई करंट जनरेट हो रही है। तो इसको अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डीपी, चेंज इन होल कंसंट्रेशन। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन ए डी एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू डी पी बाय डी टी। नाउ अब इस पार्ट को देखो, क्या ये चेंज इन कंसंट्रेशन, होल कंसंट्रेशन का चेंज पर यूनिट टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में होल का कंसंट्रेशन, चेंज इन होल कंसंट्रेशन नहीं शो कर रहा है, ये जो है ये क्या कर रहा है, चेंज इन